और जिसके तहत ब्रिटिश काल में जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। और अब हम बात करने वाले हैं जो भारतीय शिक्षा आयोग और शिक्षा नीतियाँ हैं जो स्वतंत्रता के बाद लागू की गई भारतवर्ष में, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन होगा और लंबा हो जाएगा क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा सब कुछ आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, इम्पॉर्टेंट है, बने रहिएगा लास्ट तक क्योंकि जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आज इस सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ना सिर्फ एजुकेशन वाले स्टूडेंट बल्कि जो पेपर वन में हायर एजुकेशन का एक पार्ट है, एक पोर्शन है, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जो पेपर वन की केवल तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ स्वतंत्रता के बाद भारत में कौन कौन से शिक्षा आयोग और शिक्षा नीतियाँ बनाई गई। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, भारत में स्वतंत्रता मिली है 1947 में। सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था और उसके बाद में फर्स्ट आया 1948 और 1949 के मध्य में, बीच में आया राधा कृष्णन आयोग। जैसा कि आप जानते हैं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनकी ही अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और इसी आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जा सकता है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसे कहा जाता है। तो आपको यहाँ से दो क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं, दो क्वेश्चंस मिल रहे हैं। राधा कृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 1948 से 1949 के बीच में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है, तो राधा कृष्णन आयोग को ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है अभी हमने, क्योंकि ब्रिटिश काल में भी एक यूनिवर्सिटी इंडियन एजुकेशन कमीशन भी पढ़ाता है ना, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है। चलिए नेक्स्ट है, इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया जिसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 1952 में और 1953 के मध्य में की गई, ठीक है। और इसी को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, ठीक है। मुदालियर कमीशन भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसको की जो अध्यक्षता थी वो मुदालियर ने की थी, जो कि उस वक्त की मद्रास के विश्वविद्यालय के कुलपति थे, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1952 से 1953 के बीच में। माध्यमिक शिक्षा आयोग को और क्या कहा जाता है, तो मुदालियर कमीशन कहा जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन कब हुआ, 1952 में। मुदालियर कमीशन की स्थापना में अध्यक्षता किसने की थी, मुदालियर ने की थी। ये तीन क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग भी कहा जाता है, इसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन किसे कहा जाएगा, कोठारी कमीशन को, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 से 1966 के मध्य में, डिटेल में हम पढ़ेंगे इसके बाद में। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप बता देंगे 1964 से 1966 के बीच में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब कोठारी आयोग हो गया 1964 से 1966 के बीच में, उसके बाद आई थी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसे भी कहा जाता है। यहाँ से ही एनईपी का स्टार्ट हुआ कहना चाहिए एक तरह से, क्योंकि उसके बाद फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से ही आपके आगे कमीशन बनते गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है, इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके बाद फिर से बनी 1979 में, इसको भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 कहा जाता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनी और जो कि क्या थी, 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, उसके बाद इसको रिवाइज किया गया था, इसमें कुछ सुधार करके इसको रिवाइज किया गया था 1992 में, 1992 में। उसके बाद अभी रिसेंटली एक नई शिक्षा नीति आई है जिसे कहा जाता है एनईपी 2020, ठीक है। एनईपी 2020 के बारे में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये आज का सेशन है, इतने सारी चीजें जो है वो एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, तो इम्पोर्टेंट होने वाला है सेशन, बहुत ही
क्रिस्प वे में आपको पढ़ाऊंगी ताकि जितने भी क्वेश्चंस हो सके वो आपको यहाँ से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, राधा कृष्णन आयोग या फिर विश्वविद्यालयीन शिक्षा आयोग के बारे में। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि ये सारी शिक्षा समितियां हैं या की नीतियां हैं या कमीशन हैं जो कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद लागू की गई हैं। देखिए ये है राधा कृष्णन आयोग के बारे में डिटेल में। राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 के बीच में, इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और यूनिवर्सिटी की संख्या भारतवर्ष में, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी थी, तो देखिए 19 थी, है ना। पहले इलाहाबाद कलकत्ता विश्वविद्यालय था, उसके बाद में बढ़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय बन गया। इस तरह से धीरे धीरे बढ़कर भारत में स्वतंत्र भारत के समय पे 1947 में टोटल विश्वविद्यालयों की संख्या 19 थी। गठन कब किया गया इसका, तो 4 नवंबर 1948 को गठन किया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, ठीक है। तो कब किया गया गठन, इस आयोग को बनाने के लिए गठन किया गया 4 नवंबर 1948 को। राधा कृष्णन के अलावा कुल मिला के कितने सदस्य थे, टोटल 10 सदस्य थे यहाँ पर जिन्होंने ये समिति में शामिल थे। तो उनके नाम कौन कौन से हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डॉक्टर राधा कृष्णन समिति में कौन कौन से थे, मतलब सदस्यों की संख्या में कौन कौन सदस्य थे। तो देखिए राधा कृष्णन जी तो थे ही, उसके बाद में जेम्स एफ डफ भी थे, जॉन जे डिगर्ट भी थे, ऑर्थर ई मॉर्गन, जाकिर हुसैन, ए लक्ष्मण मुदालियर, जिनके नाम से फिर मुदालियर कमीशन आया, फिर ताराचंद, ताराचंद भी समिति, ताराचंद समिति के नाम से एक समिति आई है, डॉक्टर कर्म नारायण बहल, डॉक्टर मेघनाथ साह और डॉक्टर एन के सिद्धांत, ये सारे लोग थे जो कि इस राधाकृष्णन जो आयोग था उस समिति के सदस्य थे। इसके बाद में इनका जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया 25 अगस्त 1949 को, देखिए स्थापना हुई थी कब, 4 नवंबर 1948 को, और इन्होंने लगभग एक साल के अंदर ही अंदर 25 अगस्त 1949 को भारत जो सरकार थी उसको अपना प्रतिवेदन, जो कि 747 प्रश्नों में था प्रतिवेदन, 15 अध्याय इसमें थे, उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। और इन्होंने अपना जो प्रतिवेदन बनाया वो किस तरीके से बनाया, और इन्होंने क्या किया, 600 व्यक्तियों से एक प्रश्नावली इन्होंने बनाई, और 600 व्यक्तियों से उस प्रश्नावली को भरवाया, और कुछ इसमें क्वेश्चंस थे कि भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है, कैसे होने चाहिए शिक्षा का, मतलब प्रारूप कैसा होना चाहिए, इस हिसाब से उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस को लेकर एक प्रश्नावली बनाई और उसके बाद उनको भरवाया, और उससे जो भी आंसर्स मिले थे उनको ध्यान में रखते हुए अपने इस प्रतिवेदन को बनाया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब राधा कृष्णन आयोग के गुण क्या क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो राधा कृष्णन आयोग में सबसे पहला गुण तो था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाएगा, समवर्ती सूची में, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का डिसीजन कब लिया गया था, तो राधा कृष्णन आयोग में लिया गया था। विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाएगा 1956 में, यूजीसी का प्रॉपर गठन कहा किया गया है 1956 में, है ना। तो इसका प्रतिवेदन यहाँ पर भी जो बात हुई थी तो उसमें बात हो गई थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया जाएगा, विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों पर अंकुश लगाना। देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, एफिलेटेड और भी ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस खुल जाते हैं, लेकिन उनकी लगाम को हाथ में रखना, है ना, ऐसा ना हो कि वो अपने हिसाब से ही अपना कोई भी एजुकेशन सिस्टम चलाते रहे, तो उनको उन पे अंकुश लगाना मेन काम था। 3 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम और सामान्य शिक्षा अनिवार्य थी, शिक्षण स्तर में सुधार करना इनका प्रमुख बात कही गई थी, पदोन्नति के लिए योग्यता और शोध कार्य करने पर महत्व। अब यदि यूनिवर्सिटी में कोई टीचर है उसको किस तरीके से पदोन्नति मिलेगी, तो उसके लिए शोध कार्य जरूरी था, मतलब रिसर्च वर्क होना चाहिए, और साथ ही साथ में उनका योग्यता उनकी अच्छी होनी चाहिए। विश्वविद्यालय परीक्षा में सुधार लाना, रचनात्मकता से परीक्षाओं को कंडक्ट कराना, ठीक है। अब दोष क्या थे वो भी समझ लेते हैं, कुछ तो दोष होंगे ही, बिना दोष के तो कोई काम होता नहीं है। तो दोष क्या क्या थे ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की व्यापकता,
उच्च शिक्षा के उद्देश्य थे वो व्यापक थे, ठीक है, स्पेसिफिकली अलग अलग उद्देश्य नहीं बताए गए थे। धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बता दिया गया था जो कि जरूरी नहीं था, अगर नहीं होता ऐसा तो शायद शिक्षा का स्वरूप कुछ और होता। शिक्षा के माध्यम के बारे में सुझाव स्पष्ट नहीं थे, मतलब माध्यम हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए ये स्पष्ट नहीं था और उसी का आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। आप स्पेसिफिकली वही बता दो कि शिक्षा का माध्यम या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा, ये खिचड़ी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, कुछ तो इंग्लिश मीडियम में हो जाते हैं, कुछ हिंदी मीडियम में हो जाते हैं। जो आज तक डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है भारत में, जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते तो आपको इंटरव्यू में बाहर कर दिया जाता है। फिर क्यों कहा जाता है कि हिंदी भाषा ही आप को प्रमोट करना है, ऐसा होता तो नहीं है ना, यथार्थ के धरातल पर ऐसा नहीं होता। अगर स्पष्ट लैंग्वेज का प्रारूप उसी वक्त रख दिया गया होता तो शायद कुछ और स्थिति हमारी बन सकती थी। शिक्षा के वेतनमान में भेदभाव, जो वेतनमान है उसमें भी अलग अलग था, मतलब भेदभाव था, कभी किसी को ज्यादा मिलता था किसी को कम मिलता था। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण था, मतलब कंजर्वेटिव दृष्टिकोण था स्त्री शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें थी जिसके कारण से इसमें दोष बताए जा सकते हैं, बाकी सारा मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको कहा जाता है मुदालियर कमीशन। तो मुदालियर कमीशन बहुत बड़ा योगदान है भारत में मुदालियर कमीशन का, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा को लेकर यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर सबसे बड़ा और सबसे पहला अगर कोई बात कही गई है कहीं पर तो मुदालियर कमीशन में ही कही गई है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है कि देखिए 1900 अभी हमने राधाकृष्ण आयोग के बारे में बात करी, वहां पर एक बात का डिस्कशन हुआ कि भारत में शिक्षा का स्तर किस तरीके से हमें सुधारना है ना। और उसी समय पे 1948 में ही जब विश्वविद्यालयीन शिक्षा आयोग की बात आगे बढ़ रही थी उसी समय पे कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कुछ किया जाए। तो उस समय पे ताराचंद जी को बोला गया कि एक समिति का गठन करें आप और उस गठन करने के बाद में हमें बताएं कि माध्यमिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना है अगर कैसे, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट किस तरीके से की जा सकती है। तो 1948 में पहला काम ये हुआ कि ताराचंद जो अभी नाम लिया था ना ताराचंद, वो ताराचंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे ताराचंद समिति भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रति प्रस्ताव के लिए किस समिति का गठन हुआ तो आपको बताना है ताराचंद समिति का गठन हुआ, ठीक है। अब आता है कि 1949 में एक ही साल में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, किसने, ताराचंद जी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने ये प्रस्ताव दिया 1951 में कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने इस प्रस्ताव को बताया कि भारत में एजुकेशन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाया जाना चाहिए, ठीक है, जिसको कहा गया क्या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा मतलब गठन किया जाना चाहिए। फिर 23 सितंबर, ध्यान रखिएगा डेट्स याद रखिएगा, 23 सितंबर 1952 में मद्रास विश्वविद्यालय के उस वक्त के तत्कालीन जो कुलपति थे उनको यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर कहाँ के कुलपति थे, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उस वक्त के जो कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को अध्यक्ष बनाया गया और एक समिति का गठन किया गया जिसको मुदालियर की अध्यक्षता में गठन करने वाला कमीशन था, इसलिए इस कमीशन का नाम ही क्या रख दिया गया, मुदालियर कमीशन रख दिया गया। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 9। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुदालियर कमीशन में मुदालियर जी को एड करते हुए कितने सदस्य थे, तो 9 सदस्य थे टोटल। अब प्रतिवेदन यानी कि प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, जो पूरा वो बनाते हैं ना जिसमें हर चीज लिखते हैं कि क्या क्या कैसा कैसा होना, उसको प्रतिवेदन कहते हैं। तो प्रतिवेदन इन्होंने अपना जो भी अध्यक्षता में जो काम किया और उन्होंने 29 अगस्त 1953 को 23 सितंबर 1952 को बनाई गई थी और लगभग एक साल में मतलब 29 अगस्त 1953 को इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। उस प्रतिवेदन में टोटल 244 पेज थे, 14 प्रकरण थे, ठीक है, 14 प्रकरण थे। और उसके बाद में इन्होंने बताया कि न्यू पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कैसा होना चाहिए, न्यू पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किस तरीके का होना चाहिए। तो इन्होंने डिग्री कोर्स जो है डिग्री कोर्स के
जो अवधि है उसको 3 साल फिक्स कर दिया कि डिग्री कोर्स कितने साल का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। और माध्यमिक एजुकेशन मतलब माध्यमिक शिक्षा जो है वो 12 वर्ष की अवधि से लेकर 17 वर्ष की अवधि तक दी जानी चाहिए। और टोटल माध्यमिक शिक्षा का जो समय पीरियड होगा वो कितना होना चाहिए, 7 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा। अब उद्देश्य देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य को लेकर इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया था। तो व्यक्तित्व का विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। नेतृत्व शिक्षा का विकास, बच्चों में नेतृत्व की क्षमता आनी चाहिए, उसका विकास किया जाना चाहिए। नागरिकता का विकास, देश प्रेम की भावना का विकास, जीवन यापन की कला और शिक्षा का विकास, ठीक है, व्यवसाय कुशलता और शिक्षा का विकास, ठीक है, ये सारे उद्देश्य लेकर इन्होंने अपनी इस अध्यक्षता में अपनी समिति का गठन किया। ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन व्यवस्था कैसी की जानी चाहिए, इसमें भी इन्होंने बताया कि सभी प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा परिषदों का गठन किया जाना चाहिए। हर एक प्रदेश में मतलब हर एक स्टेट में स्टेट बोर्ड बनाया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विद्यालयों को का प्रशासन निजी प्रबंध समितियों द्वारा किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत विद्यालय मतलब प्राइवेट स्कूल है ना। शिक्षा निदेशक के पद को संयुक्त सचिव के समकक्ष माना जाना चाहिए। शिक्षा निदेशक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है, उसको संयुक्त सचिव के इक्विवेलेंट ही माना जाना चाहिए। सभी प्रदेशों में टेक्निकल शिक्षा परिषद का गठन किया जाए जो कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर काम करेगी। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसको इंजीनियरिंग एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये इनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसके बाद में पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या व्यापक हो, ठीक है, ग्लोबलाइज्ड हो, लचीला हो मतलब फ्लेक्सिबल हो, जरूरत पड़े तो उसे बदला जा सके, उसमें कुछ चेंजेस लाया जा सके। लचीला हो जिसमें छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन कर सके। पाठ्यचर्या के सभी विषयों एवं क्रियाओं में सहसंबंध हो। पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो जिसे पूरा छात्र समाज में सम्मान पूर्वक रह सके। पाठ्यक्रम का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध हो। ठीक है, ये सारी चीजें पाठ्यक्रम में हो। अब इन्होंने अनिवार्य विषय बताए कि अनिवार्य विषय माध्यमिक शिक्षा में और आपके सेकेंडरी एजुकेशन में कौन कौन से होने चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा, सामाजिक विज्ञान मतलब SST, शिल्प, भाषा, सामान्य विज्ञान, कला, संगीत, गणित, इसके साथ में उन्होंने बुनाई, लड़कियों के लिए बुनाई, सिलाई, गृह विज्ञान से संबंधित विषय भी रखे थे। तो ये थे अनिवार्य विषय, है ना, अनिवार्य विषय। इसके साथ साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी लिए थे, जिसमें सामाजिक विषय, जो टोटल सामाजिक विषय होते हैं उनको लिया गया था, विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान, वाणिज्य मतलब व्यापार से संबंधी, कृषि, ललित कला से संबंधी, गृह विज्ञान से संबंधी। तो ये सारी चीजें इन्होंने ऑप्शनल विषय में रखा था। ठीक है, तो ये थे मुदालिया कमीशन के सब्जेक्ट्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इनकी भाषा नीति क्या थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा नीति क्या थी। तो हिंदी भाषा को माध्यमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आयोग के अनुसार एक सामान्य भाषा के रूप में हिंदी राष्ट्रीय एकता को तथा लोगों की पारस्परिक घनिष्ठता में वृद्धि करेगी। ठीक है, भाषाओं के महत्व एवं उनके माध्यम से ज्ञान की उपलब्धि पर शोध कार्य कानपुर विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है, इस शोध कार्य में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों विषयों को ही राष्ट्रीय एकता एवं पारस्परिक घनिष्ठता एवं ज्ञान की उपलब्धता का समान रूप मापा गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इनके अनुसार भाषा को तो क्या बता दिया गया, हिंदी भाषा में ही पढ़ाई की जानी चाहिए। अब माध्यमिक शिक्षा के गुण क्या थे, गुण देख लेते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स देखनी पड़ती है। शिक्षा के सही उद्देश्यों का वर्णन करना, शिक्षा के प्रशासनिक एवं व्यवस्थित ढांचा प्रस्तुत करना मतलब किस तरीके का ढांचा होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कैसा ढांचा था, 5+6+3 पांच साल तक आपका प्राइमरी एजुकेशन, फिर 6 साल का आपका माध्यमिक एजुकेशन और फिर 3 साल का आपका डिग्री कोर्स। ठीक है, जो हमारे पिताजी के लगभग एज के लोग होंगे उस वक्त बात करते थे, मैट्रिक क्लियर कर ली उन्होंने, मैट्रिक मतलब पांचवी के बाद फिर 6, 7, 8, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11वीं तक हो जाएगा और उसके बाद 3 साल का ये डिग्री कोर्स, जिसमें MA का ग्रेजुएशन का डिग्री कोर्स होगा या फिर उसका किसी भी सब्जेक्ट का, है ना। तो ये इनका क्या था,
प्रतिवेदन था, ठीक है, जिसको बाद में बदल कर क्या कर दिया गया, बाद में क्या कर दिया गया था, ये 10+2+3 कर दिया गया था, 10+2+3 मतलब जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई करी है कि 10th के बाद 2 साल आपका हायर सेकेंडरी और फिर 3 साल आपका डिग्री कोर्स, ठीक है। चलिए इनके मेरिट रिमेरिट्स की बात कर लेते हैं हम। तो शिक्षा मातृभाषा के द्वारा ही देने का सुझाव कहा था, ये भी उनके अच्छे गुणों में आता है। शिक्षकों के स्तर को बढ़ाने का सुझाव दिया था, चरित्र निर्माण तथा अनुशासन पर बल दिया था, परीक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने की बात कही गई थी, स्त्री शिक्षा को प्रधानता दी गई थी इसमें, ठीक है, स्त्री शिक्षा को इम्प्रूव करना है। दोष क्या है, दोष देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन था, बहुत स्पष्ट नहीं था संगठन, इसके दोष था। बोझिल पाठ्यचर्या थी, पाठ्यचर्या मतलब ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, एक्साइटिंग करने वाली नहीं थी, मतलब एक तरीके से बोर होने वाली पाठ्यचर्या थी, है ना। क्रिएटिविटी उसमें नहीं थी, विभिन्न प्रकार के अलग अलग पाठ्यक्रम थे, अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव था। बहुत बड़ी दिक्कतें हुई हैं ये सारी चीजों के बारे में ही, आज हम लोग सारे ही लोग इस चीज को भुगत रहे हैं। अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव था, या तो होनी चाहिए या तो नहीं होनी चाहिए, बीच वाला रास्ता नहीं होना चाहिए। तो ये था कि जो लोग पढ़ाना चाहें वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा लें, जो नहीं पढ़ाना चाहें वो हिंदी माध्यम में पढ़ा लें। तो क्या होता है ना कि खिचड़ी बन जाती है। और फिर गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में कोई सुझाव नहीं थे, बल्कि हवाई सुझाव थे। जो सरकारी स्कूल होंगे उनके संदर्भ में भी सुझाव नहीं थे। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी कि भारत में अंग्रेजी का जो हिसाब है ना, वो इस तरह से है कि अनिवार्य भी है और ये भी बातें बोली जाती हैं कि कोई जरूरत नहीं है, हम तो भारतीय हैं और हिंदी भाषा में पढ़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है जब आप कॉम्पीट करते हो, कॉम्पिटिशन में जाते हो, उस वक्त तो आपको इंग्लिश को ही देना पड़ती है प्राथमिकता, क्योंकि इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है, यथार्थ है, हकीकत है। और शिक्षा आयोग की अस्पष्टता की वजह से हिंदी और अंग्रेजी की समस्या उपलब्ध हो रही है। अगर उस वक्त स्पष्ट कर दिया जाता कि सभी को हिंदी माध्यम में ही शिक्षा देनी है, तो हिंदी और इंग्लिश का झगड़ा होता ही नहीं। या फिर इंग्लिश मीडियम में, जैसे कि ब्रिटिश काल में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्लियरिटी थी कि जो आपका प्राइमरी लेवल था उसमें आपको क्षेत्रीय भाषाओं में या फिर लोकल लैंग्वेज उसमें एजुकेशन मिलेगा, और उसके बाद फिर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, क्लियर था। लेकिन इन लोगों ने जो बनाया है अपना सिस्टम, इसमें ये चीज क्लियर नहीं करी। इंग्लिश मीडियम भी हो सकता है, हिंदी मीडियम भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन, एक जो खाई है ना, वो बहुत बढ़ गई। एक लेवल आ गया इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का और दूसरा लेवल आ गया हिंदी मीडियम वाले बच्चों का। तो जब कॉम्पिटिशन आता है तो जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है ना, उसको ही प्राथमिकता दी जाती है। ये कोई माने या ना माने, ये हकीकत है। और ऐसा हुआ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारी समितियां बनाई गई थी उसमें स्पष्टता नहीं दी गई थी हिंदी और इंग्लिश को लेकर, है ना। तो ये बातें थी। चलिए, तो ये हो गया मुदालियर कमीशन। आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो वो आपको बन जाए, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है समझाने की, कुछ भी छूट जाता है तो आप इसको देखिएगा, बताइएगा मुझे, कुछ छूट गया हो तो मैं उसको स्पष्ट कर दूंगी, ठीक है। टारगेट है जो हमारा मेन है, नेशनल एजुकेशन कमीशन जिसको कहा जाता है कोठारी कमीशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। अगर आपने एजुकेशन की फील्ड में कदम रखा है ना, तो आपने ये नाम कितनी बार सुना होगा ये आप ही बता दीजिए, कितनी बार सुना है। क्योंकि कोठारी कमीशन के बारे में पढ़ना हमने बीएड में पढ़ा, फिर उसके बाद एमएड में पढ़ा, फिर उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप पढ़ते रहते होंगे। कोठारी कमीशन इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए, आज के इस सेशन में मैं बताऊंगी आपको कोठारी कमीशन के बारे में, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट कमीशन आए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस उनके बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन कमीशन भी इसे कहा जाता है। देखिए, नाम जो मैं बता रही हूँ ना, उसको जरूर आप याद रखिएगा। कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन, 1964-1966 की नीति, नेशनल एजुकेशन कमीशन, ये सारे ही नामों से इसे जाना जाता है। कई सारे स्टूडेंट्स जब कंफ्यूज हो जाते हैं जब कोई और नाम आ जाता है ना, कई बार ये हो जाता है कि नाम आ गया तो आपने समझा नहीं कि किसके बारे में पूछ रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन कमीशन अगर लिखा है तो ये मान के चलिए ये कोठारी कमीशन की बात है। और जो भी स्टूडेंट्स ये बात कहते हैं ना कि वीडियोस से क्या पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूं
कि जब आपकी सारी ही इंद्रियां वर्किंग करती है ना, जैसे आप आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो और हाथ से लिख रहे हो, तो तीनों कंडीशंस जब एक साथ काम करती है ना, तो वो चीज मेमोराइज हो जाती है। एक्सपीरियंस है मेरा। तो जब मैं बोल रही हूँ, कई बारी बोल रही हूँ, नेशनल एजुकेशन कमीशन का मतलब कोठारी कमीशन है, तो ये आपको कानों में पड़ेगा और ये लिखित होके मतलब उसमें स्थापित हो जाएगा, और उसमें जब स्थापित हो जाएगा तो आपको याद रहेगा। कई बार एग्जाम के टाइम पे ना जो सुना हुआ होता है ना वो याद आता है, इसलिए आपको सुनना जरूरी है। तो डॉक्टर डी एस कोठारी, इनका नाम क्या है, जो कोठारी जी हैं, इनका नाम था दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। और इनकी अध्यक्षता में ये कमीशन्स बनाए गए थे, और इसमें जो कमीशन का गठन हुआ था, इसमें टोटल कितने सदस्य थे, ये सारे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, 17 सदस्य थे इसमें, ठीक है। इसके सचिव कौन थे, ये भी क्वेश्चन बोला जा सकता है, आ सकता है। जेपी नायक, क्या कौन थे, जेपी नायक। और सहायक सचिव थे जे एफ मकडूगल, है ना, ये याद रखिएगा। अब जो कोठारी जी थे वो क्या करते थे उस वक्त, ये आपको याद होना चाहिए, तत्कालीन अध्यक्ष थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के, यूजीसी के अध्यक्ष थे ये। किसके अध्यक्ष थे कोठारी जी, यूजीसी के अध्यक्ष से उस समय पे तत्कालीन, है ना। और इसके बाद जेपी नायक साहब जो थे वो क्या थे, शैक्षिक नियोजन प्रशासन एवं वित्त विभाग गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान पूना, ये पूना के संस्थान के अध्यक्ष थे, ठीक है। और जे एफ मकडूगल कौन थे, सह निर्देशक थे स्कूल ऑफ हायर एजुकेशन यूनेस्को पेरिस, ये स्कूल ऑफ हायर एजुकेशन, इसको लिख लीजिएगा स्कूल ऑफ हायर एजुकेशन पेरिस, यूनेस्को में थे ये ना, यूनेस्को पेरिस, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ना, क्वेश्चंस तो कहीं से भी बनाए जा सकते हैं। और जो सदस्य थे मेनली, इनके नाम वैसे तो मैंने नहीं देखा है कि सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हो तो आप नोट करके एक जगह लिख सकते हैं इसको, आर ए गोपाल स्वामी, ए आर दाऊद, एम बी माथुर, बी एस झा, एच एल एल्विन, एस एन कृपालु, एस एन कृपालु, एस ए सुमवस्की, डॉक्टर बी पी पाल, एम जीन थॉमस है, डॉक्टर टी सेन, डॉक्टर के जी सैयदन, कुमारी एस पंडरीकर, रोजर रेवली, और लास्ट में थे सदा तोसी इहारा। ये हो गए 14, ये महाराज हो गए 15, 16, और ये कोठारी जी मिला दिए जाए तो हो गए 17। टोटल 17 सदस्य थे जो कि कोठारी कमीशन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्य थे, ठीक है। चलिए अब कोठारी आयोग के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो कोठारी कमीशन के अंदर जो आयोग गठित हुआ था, मतलब आयोग का जो प्रतिवेदन था, प्रतिवेदन का मतलब समझते हैं ना, जो प्रस्तुत किया जाता है प्रतिवेदन, है ना, तो वो कैसे बना था उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका निरीक्षण और साक्षात्कार, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आयोग बनाने के लिए क्या किया जाता है, कि भाई कैसे आयोग बनाया जाए, 17 सदस्यीय जो पैनल था वो क्या क्या काम करता है। तो ये हुआ कि भाई पहले कुछ समस्याएं तो ढूंढी जाए कि एजुकेशन के क्षेत्र में आज वर्तमान समय में, उस वक्त तत्कालिक वर्तमान समय में कौन कौन सी समस्याएं हैं। इस हिसाब से इन्होंने 5000 प्रश्न बनाए,
कि जो जो समस्या उन्हें समझ आ रही थी उस हिसाब से 5000 प्रश्न बनाए और वो 5000 प्रश्न 5000 व्यक्तियों को जाकर दे दिए कि भाई पढ़ो इनको और इसके जो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, इस मामले में क्या करना चाहिए, इस तरीके के प्रश्न थे और 5000 व्यक्तियों को उन्होंने दिए भरने के लिए। और उसमें से 2400 लोगों ने, मतलब 2400 लोगों ने भर कर उस प्रश्नावली को लौटा दिया। ठीक है, उन्होंने ये भरकर लौटा दिया, इसलिए इनको 2400 लोगों से ओपिनियन प्राप्त हुआ कि वो क्या सोचते हैं उन प्रश्नों के बारे में। और इस हिसाब से इन्होंने अपना प्रतिवेदन बनाया और प्रतिवेदन 24 जून 1966 को, मतलब 1966 को, है ना, 64 में स्टार्ट हुआ था ये सब काम और 66 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है 64 और 66 में, 68 में, है ना, तो 68 की शिक्षा नीति अलग है, 64 से 66 कोठारी कमीशन का समय है, इसको याद रखिएगा। 64 यानी कि 64 से 66 मतलब 66, दोनों के बीच में कोठारी कमीशन बना था, है ना। तो 29 जून यानी जून के महीने में ही 66 में अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंपा था और प्रतिवेदन का जो टॉपिक था ना वो क्या रखा था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। क्वेश्चन ये भी बनता है, इसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति के नाम से ये टॉपिक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति, और ये 692 पेज थे इसमें, कुल मिलाकर 692 पेजेस का ये प्रतिवेदन था, तीन खंडों में डिवाइडेड था और ये प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सुझाव दिए, सजेशंस क्या क्या थे इनके, वो बात कर लेते हैं कि किस किस मामले में इन्होंने क्या सजेशन दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षा के प्रशासन को लेकर सुझाव दिया कि शिक्षा का प्रशासन कैसे होना चाहिए, मतलब आप स्कूल खोले हुए हो तो स्कूल खोले में आपको किस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेशन उसका कैसे होना है, इसके बारे में बात की जाए। फिर प्रशासन में आ जाता है वित्त और नियोजन, यानी कि हर एक बच्चे पर, हर एक प्रत्येक स्टूडेंट पर किस तरह से खर्चा होना चाहिए, कितना वित्त उस पर डाला जाना चाहिए, उसके लिए सुझाव थे। नियोजन, उसका किस तरह से खर्च हो, मतलब उसका इस्तेमाल किस तरह से हो, मतलब पैसे तो लगा दे लेकिन वो सही जगह लग भी पा रहे हैं नहीं, तो उसका काम देखा जाता था। शिक्षा के वित्त संबंधी सुझाव, प्रति छात्र व्यय 12 रुपए के स्थान पर 54 रुपए होना चाहिए। इसके पहले क्या था कि हर एक स्टूडेंट पर कितना व्यय होता था, 12 रुपए होता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हर एक बच्चे पर 54 रुपए, 54 रुपीज पैसे रुपीज जो है वो खर्च होने चाहिए। इस हिसाब से इन्होंने वित्त की बात कही। फिर शिक्षा की संरचना पर बात करी कि स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, मतलब क्या सिलेबस हो, किस तरीके की लैंग्वेज हो, परीक्षा प्रणाली कैसी हो, भाषा कैसी होना चाहिए, किस भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए, छात्रों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब शिक्षा की संरचना कैसी हो, स्ट्रक्चर कैसा हो, उसके बारे में इन्होंने काफी सारी बातें अपने इस प्रतिवेदन में कही थी। ठीक है, इसके बाद में उद्देश्य देख लेते हैं हम, एम्स क्या थे, एम्स ऑफ एजुकेशन या फिर एम्स ऑफ दिस कोठारी कमीशन, क्या एम्स थे वो बात समझ लीजिए। तो पहली बात, शिक्षा के उत्पादन की बात कर रहे हैं, शिक्षा को उत्पाद, मतलब एक तरीके से ये प्रोडक्ट है, एजुकेशन जो है क्या है, प्रोडक्ट है, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचाया जा सके, है ना, शिक्षा के उत्पादन में वृद्धि करना इनकी बात थी कि भाई शिक्षा को का उत्पादन जो है, उसका प्रोडक्शन जो है, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। नेक्स्ट बात ये क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं कि शिक्षा में जो सिलेबस बनाया जाए, जो पाठ्यचर्या बनाया जाए, उसमें राष्ट्रीय एकता को प्रमुखता दी जाए, मतलब भारत एक पूरा गणराज्य है, भारत के गणराज्य में सभी जाति धर्म प्रजाति के लोग रहते हैं, सभी को एक तरह से अपने जीवन यापन करना है और साथ ही साथ में राष्ट्र को एक रखना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, है ना, ये बात राष्ट्रीय एकता की बात को बढ़ावा देने की बात करी है। शिक्षा आयोजकों के लिए निर्देशन,
इसके बाद में क्या था, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, सामाजिक एकता को बढ़ाना, शिक्षा द्वारा लोकप्रिय मूल्यों का विकास करना, शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों का, सॉरी लोकतांत्रिक मूल्य क्या मतलब होता है, डिप्लोमेटिक जो रूल है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक पूर्णतः लोकतांत्रिक राज्य है या राष्ट्र है, जिसमें लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए एक शासन ही क्या होता है, लोकतंत्र होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल राजनीति में नहीं होती, हर जगह पर होती है। ऐसा नहीं तानाशाही हो जाए कि कोई एक ही व्यक्ति है जो रूल लगा रहा है, नहीं। आप अगर स्टूडेंट हैं तब भी आप उसके सदस्य हैं, आप टीचर हैं तब भी सदस्य हैं, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था, हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार हो। फिर आता है नैतिकता को बढ़ाया जाए, मतलब मोरालिटी की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। अब नैतिकता क्यों जरूरी है, देखिए आप चाहे कितने ही डिग्री होल्डर्स हो जाएं, या फिर बहुत बड़ी बड़ी आपके पास में डिग्री हो जाए, बहुत पैसा हो जाए, लेकिन अगर आप मोरल नहीं है, वैल्यूज नहीं है, एथिक्स नहीं है आपके पास ना, तो आपका वो सब जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि आपकी को ना बोलने का तरीका है, ना बात करने का तरीका है, ना जीवन जीने का तरीका है, ना समाज में रहने का तरीका है, ना लोगों की रिस्पेक्ट करने का तरीका है, तो क्या मतलब है इतने सारी चीजों का। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे, कहते हैं ना पढ़े लिखे नहीं हो क्या, पढ़े लिखे अगर हो तो इसका मतलब है कि आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए। तो नैतिकता भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए आपके सिलेबस में पढ़ाने के लिए। फिर स्त्री शिक्षा को प्रमुखता दी जाए। भाई भारत में आज हम लोग जिस युग में जी रहे हैं ना, ये 64 और 66 की बात हो रही है, उस वक्त तो मेरी मम्मी भी 2 साल की थी, तो उस वक्त क्या हुआ होगा, किस तरीके से एजुकेशन होता था, क्योंकि लोग लड़कियों के बारे में यही सोच रखते थे कि ये तो 10-12 साल, 13 साल, 14 साल की हो जाएंगी, तो इनकी स्कूल एजुकेशन करवा दो तो करवा दो, और फिर उसके बाद इनकी शादियां हो जाएंगी और फिर अपने घर चले जाएंगे, क्या करना है इनको, थोड़ा नौकरी करनी है। हालांकि उस वक्त भी मेरी मदर MA ग्रेजुएट थी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने किया हुआ था, लेकिन ये सोचो उसके पहले जब 64 और 66 में ये नीति बनी, उसके पहले की क्या स्थिति होगी, वो तो आप घर में अपनी ग्रैंड मदर वगैरह से पूछेंगे तो ये बात आती है कि वो सेकंड क्लास पढ़ रखी थी या थर्ड क्लास पढ़ रखी थी, बस इससे ज्यादा वो नहीं पढ़ती थी, है ना। तो उस समय भी स्त्री शिक्षा बहुत ही डाउन थी, तो उसको इम्प्रूव करना, स्त्रियों को बाहर निकालना, पढ़ाई में लगाना, और उसके बाद में शिक्षा प्रणाली और परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन किस तरह से कंडक्ट होना चाहिए, इसकी बात वो कहते थे। और प्रौढ़ शिक्षा, अब सपोज करें आपकी उम्र निकल गई है, आप पढ़ने का जो टाइम था वो आपने खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी आपके पास में अक्षर ज्ञान का समय है, तो प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो ये सारे उद्देश्य लेकर ये अपना काम करते थे, और शिक्षा के उद्देश्य में इन्होंने अपना नाम दिया था इसका पंचमुखी कार्यक्रम, इसको ध्यान रखिएगा, पंचमुखी कार्यक्रम, पंचमुखी कार्यक्रम, जिसमें कि ये सारे आपके उद्देश्य आ जाते हैं। फिर आता है कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग का मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब आप इवेल्युएशन देख लीजिए। तो इन्होंने एक सूत्र लाया, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, सारे ही सबको इस चीज को याद रख लीजिएगा, त्रिभाषा सूत्र, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बारी पूछा जाता है, त्रिभाषा सूत्र इन्होंने दिया था, मतलब उन्होंने कहा था कि त्रिभाषा सूत्र को हम लागू करेंगे और सभी स्तरों पर, शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन करना और त्रिभाषा सूत्र लागू करना। अब ये त्रिभाषा सूत्र कौन सी वाला है, देखिए ऐसा है कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में है ना, तो हिंदी और इंग्लिश तो है इम्पोर्टेंट, लेकिन एक रीजनल लैंग्वेज हो जो अदर लैंग्वेज, मतलब साउदर्न लैंग्वेज, मतलब दक्षिण भारतीय कोई भाषा होगी, वो भाषा भी आपको एक ऑप्शनल लैंग्वेज में आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, मतलब हिंदी, इंग्लिश और एक और कोई रीजनल लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी।
ठीक है, तीन भाषा हो गई। सपोज करते हैं आप नॉन हिंदी भाषा, मतलब जो ऐसे प्रदेश हैं जिसमें हिंदी प्रमुख भाषा नहीं, जैसे साउथ के सारे ही प्रदेश हो गए, गुजरात हो गया, ऐसे प्रदेश बंगाल हो गया, ऐसे प्रदेश जिसमें कि हिंदी मुख्यतः नहीं बोली जाती है ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगाली, मराठी ये बोली जाती है, तो उसमें आपकी रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश और ऑप्शनल में हिंदी आपको प्रमुखता से पढ़नी पड़ेगी। ये त्रिभाषा सूत्र है, कोठारी कमीशन की में इसमें बात कही गई थी कि त्रिभाषा सूत्र को हम लागू करेंगे सभी स्तरों पर, ठीक है। इसके बाद में नीति निर्धारक तत्व, नीति निर्धारक तत्वों की बात कही गई थी कि नीति निर्धारक तत्वों का निर्माण किया जाएगा। नीति निर्धारण मतलब जो रूल्स बनाते हैं, नीति का निर्धारण करते हैं, उन तत्वों का गठन किया जाएगा। शिक्षा के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन किया जाएगा। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाएगा। नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल, उच्च शिक्षा की प्रगति पर बल, तकनीकी शिक्षा पर बल और शिक्षा के प्रशिक्षण एवं शिक्षा के स्तर पर विकास देने, विकास करने के लिए बल, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पर करी जाए, की गई थी। ये मूल्यांकन आया है बाद में, मूल्यांकन कब होता है, ये तो उद्देश्य हो गए ना कि ये किया जाएगा। मूल्यांकन ये कि जब इस प्रतिवेदन को ऑब्जर्व किया गया, उसके बाद इवेलुएट किया गया, तो ये देखा गया कि ये सारी चीजें थी जिन पर इन्होंने फोकस किया था, ठीक है ना। तो ये हो गया कोठारी कमीशन। इसमें थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता देती हूँ, है ना, जिससे कि कोई क्वेश्चन की कोई भी कमी ना रह जाए कोठारी कमीशन में और आप उसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद का पोर्शन। कोठारी कमीशन में और क्या इम्पोर्टेंट है जो हम पढ़ सकते हैं, तो देखिए इन्होंने कुछ 12 टास्क फोर्स बनाए थे कोठारी कमीशन के अंतर्गत। वो क्या क्या है, तो देखिए किस किस पे उन्होंने मतलब ज़्यादा फोकस करना है उसकी बात ये करते हैं। तो स्कूल एजुकेशन पर इम्पोर्टेंटली फोकस दिया है, हायर एजुकेशन पर, उच्चतर जो शिक्षा है उसके ऊपर, फिर टेक्निकल एजुकेशन पर, मतलब तकनीकी एजुकेशन दिया जाना चाहिए, टेक्निक्स किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं हम पढ़ाने की टेक्निक्स, उसके बाद टेक्निक्स का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का उसके लिए, है ना, तो टेक्निकल एजुकेशन। एग्रीकल्चर एजुकेशन मतलब कि कृषि संबंधी शिक्षा के लिए इन्होंने बात कही। एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन मतलब प्रौढ़ शिक्षा के बारे में इन्होंने फोकस किया। इसके बाद में साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, विज्ञान की शिक्षा और उसमें रिसर्च को प्रमोट करने की बात कह रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर स्टेटस मतलब शिक्षक प्रशिक्षण हो और शिक्षक का जो स्टेटस हो उसके बारे में, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट वेलफेयर मतलब छात्रों का विकास और छात्रों की मतलब उन्नति किस तरह से की जा सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। न्यू टेक्निक्स एंड मेथड्स परीक्षा में और शिक्षा में दोनों में ही नई नई तकनीकों को, नवाचार की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक विधि है जो पूरी तरह से पहले से चली आ रही है तो उसी को आपको चलाना, नहीं, उसमें कुछ नया आपको लेकर आना है ना। तो न्यू टेक्निक्स को इम्पोर्टेंस दी है, मेथड्स को, नई शिक्षण विधियों को इम्पोर्टेंस दी है। मैन पावर जो इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे एजुकेशन में, उनमें मैन पावर की बात कर रहे हैं, किस तरीके से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा के प्रशासन के बारे में बात की जा रही है कि शिक्षा को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए ताकि ऊपर से लेकर नीचे तक का मतलब हायर एजुकेशन से लेकर प्राइमरी लेवल तक, प्रिंसिपल चेयरमैन से लेकर आपके स्टूडेंट तक, सभी का एक तरह से ख्याल रखा जा सके, सभी के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। एजुकेशनल फाइनेंस, अब भारत में चूंकि देश की आज़ादी के बाद का ये कमीशन था, तो क्योंकि हमारा खुद का संविधान है, हमारा खुद का बजट बनता है, तो भारत में जो एजुकेशन हो उसका बजट
का कितना हिस्सा जो है वो शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए, एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, है ना। तो ये सारी बातें इन्होंने फोकस करके काम की। तो इसे 12 टास्क फोर्स भी कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, 12 टास्क फोर्स ऑफ कोठारी कमीशन। तो ये सारे आपके टास्क फोर्स हैं। इसके बाद में 7 वर्किंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं। 7 वर्किंग ग्रुप कौन कौन से वर्किंग ग्रुप हैं? तो वुमेन्स एजुकेशन, बैकवर्ड एजुकेशन, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल कम्युनिटी एंड रिलेशन, स्टैटिक्स, प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड स्कूल करिकुलम। वुमेन्स एजुकेशन को बताया मैंने, स्त्री शिक्षा पर फोकस किया। बैकवर्ड एजुकेशन जो पिछले तबके के लोग हैं, जिनको हम दलित की श्रेणी में रखते हैं, वो लोग हैं, उनको एजुकेशन के साथ में जोड़ना, उनको एजुकेशन तक लेकर आना ऐसा है, क्योंकि उस वक्त पिछड़ी जातियों में एजुकेशन का की जागरूकता थी वो बहुत कम थी। तो उनको किस तरीके से एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जा सकता है, जागरूक किया जा सकता है, उस पर बात करी। स्कूल बिल्डिंग्स, किस तरीके से स्कूल्स को बनाया जाए, स्कूल का निर्माण करवाया जाए, है ना, उसकी बात, ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को बनाया जाए। स्कूल कम्युनिटी एंड रिलेशन, स्कूल की जो कम्युनिटी हो उसका, उसके साथ में किस तरह से रिलेशन, मतलब पहले तो कम्युनिटी बनाना, उसके बाद में उनके में रिलेशन बिल्डअप करना। स्टैटिक्स मतलब हर साल दर साल जो भी आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, उन रिजल्ट्स को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उस पर बात हो, स्टैटिकल वे में बात की जाए, है ना। प्री प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी से पहले भी जो एजुकेशन होता है, जैसे आजकल तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बच्चा प्राइमरी में पहले जाने से पहले 2 साल स्कूल जा चुका होता है, है ना। मतलब पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो सोचते थे कि 3 साल सुख रहते हैं जिंदगी के, फिर उसके बाद स्कूल में जाए, एडमिशन हुआ, वहां खत्म। लेकिन अब क्या हो गया कि बच्चा 2 साल का हुआ नहीं कि उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, तो पहले वो प्री प्राइमरी पढ़ता है, फिर प्राइमरी पढ़ता है, फिर प्रेप पढ़ता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ता है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने की बात ये कह रहे हैं। स्कूल करिकुलम, स्कूल का जो करिकुलम हो, स्कूल की जो पाठ्यक्रम हो या पाठ्यचर्या हो, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसकी बात की जा रही है। रिकमेंडेशन की बात कहें तो कौन कौन सी चीजों की रिकमेंडेशन कही है कोठारी कमीशन ने, तो 10+2+3 फॉर्मूला, 10+2+3 फॉर्मूला की बात करते हैं। 6 to 14 इयर्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्री एजुकेशन की बात की जाती है। आर्टिकल 45 जो है हमारा वो यही बात करता है कि फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए 6 से 14 तक के बच्चों को। उनका शिक्षा राइट टू एजुकेशन है, मतलब उनका शिक्षा जो है ना, उनकी उनका आधारभूत राइट है, या फिर उन्हें मिले हुए हैं, अधिकार मिले हुए हैं ना, तो उनको फ्री एजुकेशन प्राप्त होना चाहिए। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 लैंग्वेज में पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर एक कोई रीजनल लैंग्वेज होगी जिसको इन्होंने इम्पोर्टेंस दी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इनका टारगेट था एग्रीकल्चर को, मतलब कृषि को शिक्षा से जोड़ना। तो शिक्षा में नवाचार जब आएगा तो एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव होगा, तो किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है उसकी बात ये कह रहे हैं। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाना। 6% ऑफ नेशनल इनकम जो होगी वो एजुकेशन में खर्च हो, मतलब बजट में 6% भारत की जो इनकम है ना, उसका 6वां हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए, इसकी बात वो कर रहे हैं। एकेडमिक फ्रीडम टू टीचर, जो शिक्षक हो उनको एकेडमिक फ्रीडम मिलना चाहिए, मतलब ये नहीं हो कि वो किसी के अंदर डब के काम कर रहे हैं और उनके वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है काम करने का। आपने भी ये देखा होगा, मैंने इसलिए देखा क्योंकि मैंने कई जगह जॉब किया है और ये देखा गया है कि अगर टीचर को फ्रीडम दिया जाता है ना कि भाई मुझे तो इतना रिजल्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपको ये बोल दे कि ये रिजल्ट का टारगेट है इस साल और आपको ये पूरा करना है, और उसके बाद आप फ्री हो, आपको कैसे करना है, तो टीचर अपने हिसाब से बहुत काम करता है और करने के बाद वो रिजल्ट टारगेट अचीव भी करता है। लेकिन अगर बार बार प्रेशराइज किया जाए, नहीं आप ये करो, आप ये मत करो, आप इस तरह से पढ़ाओ, आप इस तरह से मत पढ़ाओ, तो टीचर जो हमेशा दबा हुआ अपने आप को महसूस करता है, वो पढ़ा नहीं पाता ढंग से, क्योंकि एज अ टीचर
मैंने ये चीजें फील की हैं, इस वजह से मैं जानती हूँ कि कौन कौन से तरीके की मुसीबतें आती हैं जिसके कारण से आप अपना बेस्ट जो है वो नहीं दे पाते हैं एज अ टीचर, है ना। तो इन्होंने यही बात करी थी, एकेडमिक रूप से टीचर को फ्रीडम दिया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, उनको इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा क्या था कि शिक्षक में आपको इम्प्रूव करना है, टीचिंग को इम्प्रूव करना है, टीचिंग जो ट्रेनिंग होती है उसको इम्प्रूव करना है, एग्जामिनेशन प्रोसेस जो है उसको इम्प्रूव करना है ताकि अच्छे से एग्जाम लिया जा सके, बच्चों की अच्छे से परवरिश हो, उनका विकास हो, मेंटल और फिजिकल और हर तरह का विकास हो, इस तरीके की बातें करते हुए कोठारी कमीशन दिया था। ये एक बहुत ही मेन मील का पत्थर साबित हुआ था कोठारी कमीशन, जिसकी बात कही गई थी। कुछ दोष देख लेते हैं कि इसमें दोष क्या थे, क्योंकि दोष बिना तो कोई चीज होती नहीं है, हर चीज में दोष होते हैं और नहीं होते हैं तो हमारी ऐसी मान लीजिए ऐसी मानसिकता होती है कि हम दोष निकाल लेते हैं, जरूरी होता है कई बारी, लेकिन कई बारी आदतन दोष निकालने की स्थिति होती है कुछ लोगों में, कि जो हमेशा हर चीज में ना पहले दोष देखते हैं, उसमें अच्छी क्या है चीज वो बाद में देखेंगे, दोष पहले देखते हैं, ठीक, लेकिन वो एक अदर वाइज अलग बात है। लेकिन इसमें क्या दोष थे, तो शिक्षा का संगठन अस्पष्ट था, इनके हिसाब से भी ऐसा लगता है कि शिक्षा का जो संगठन था वो अस्पष्ट था, उन्होंने क्लियरिफाई नहीं किया या फिर क्लियरिफाई करके समझा नहीं पाए वो कि संगठन कैसा होना चाहिए। प्रशासन की अस्पष्टता थी, प्रशासन की अस्पष्टता मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो किस तरीके से, क्या पावर उसके साथ में है और क्या पावर नहीं है, इस चीज को स्पष्ट इन्होंने नहीं किया। शैक्षिक उद्देश्यों को का एक तरफा होना, इनका मतलब ये था कि शैक्षिक उद्देश्य जो है वो उनको एक तरफा वन साइडेड रखा है, और वन साइडेड में इन्होंने वित्त पर ज्यादा बात की थी। माध्यमिक शिक्षा के अस्पष्ट सुझाव, माध्यमिक मतलब मिडिल एजुकेशन जो है उसमें सुझाव जो दिए गए थे वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थे। वेतन व अनुदान प्रणाली का दोषपूर्ण होना, वेतन कितना दिया जाना है, अनुदान मतलब कि स्कॉलरशिप कितनी दी जानी है, ग्रांट कितनी दी जानी है, इसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। शिक्षा के विस्तार के लिए विषय में विरोधी विचार थे, शिक्षा में विस्तार कैसे करना है इस विषय में कई लोगों की अलग अलग राय थी, एक जैसी राय नहीं थी, और आयोग के गठन का आकार में विरोधाभास था, आयोग ने जो गठन किया था अपना उसके आकार में विरोधाभास था, लिख कुछ रहे थे और हो कुछ रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आ गई होंगी। और अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1979 और 86, ठीक है, ये एक ही वीडियो में आ जाएंगी। तो इस सेशन को ये फिनिश करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नेक्स्ट क्लास हम बना देंगे जिसमें हम ये सारी चीजें एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये करते हैं यहाँ पर इस क्लास को फिनिश, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय। मैं काले भारत में इनको बुलाया गया था एजुकेशन सिस्टम के बारे में चर्चा करने के लिए, और चर्चा करने के बाद 1835 में, है ना, और उस वक्त उन्होंने अपना एक प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव दिया था, उन्होंने अपनी बातें कही थी, और जिसकी वजह से एजुकेशन का जो नया स्वरूप आज हम देखते हैं वो स्वरूप उन्होंने उस वक्त बताया था, ठीक है। उसके बाद में गुड का आदेश पत्र आया जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, गुड का डिस्पैच जिसके जो कब आया था 1854 में, और चार्ल्स गुड उसके प्रवक्ता थे, या कहना चाहिए उन्होंने ही इसको बनाया था। इसके बाद में कौन कौन से थे वो मैं आपको शो कर रही हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, मैं एक बार पढ़ती जाती हूँ। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में आया, जिसके जो अध्यक्ष थे वो विलियम हंटर थे, इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा में विविधीकृत पाठ्यक्रमों के रूप में एकेडमिक तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को अलग अलग लागू करने का सुझाव दिया गया। सेकेंड नंबर पे आता है विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, ये किसने दिया था, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। इंटरमीडिएट कक्षाएं तोड़ने तथा केवल मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों को
मैट्रिकुलेशन परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है सेडलर आयोग, 1917 में ही आया, डॉक्टर माइकल सेडलर ने दिया था, इसको सेडलर कमीशन भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा को विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना करने और प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया गया था। फिर आती है हटोंग समिति, 1929 में आई, सर फिलिप हटोंग जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के अधिक अनुत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अत्यधिक अपव्यय को देखते हुए व्यवसायिक पाठ्य विषयों को स्थान दिए जाने का सुझाव दिया गया था। फिर आता है वुड एक्ट रिपोर्ट, 1936 में ये एच एस वुड ने दी थी, हाई स्कूल संबंधी परीक्षाओं को लेने के विषय में। फिर आता है सर्जेंट रिपोर्ट, 1944 में सर जॉन सर्जेंट ने दी थी, ये साहित्यिक एवं प्रविधिक दोनों तरह के विश्वविद्यालय, दोनों तरह के विद्यालयों की स्थापना की जाए, अगली कक्षाओं में केवल योग्य विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाए, इसकी बात की थी। फिर आ जाते हैं यहाँ तक था जो 8 नंबर तक, ये बिफोर इंडिपेंडेंस था। इसके बाद में आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सबसे पहले आता है माध्यमिक शिक्षा समिति, ताराचंद समिति है ये, 1948 में डॉक्टर ताराचंद ने इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या बात कही गई थी कि माध्यमिक शिक्षा 12 वर्ष की जाए, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को बहुउद्देशीय विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाए, माध्यमिक शिक्षा की जाँच हेतु एक आयोग का गठन किया जाए। फिर आता है राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय आयोग जिसे कहते हैं, 1948 में ही आया था और डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के सेकंड राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति, और यद्यपि उच्च शिक्षा में सुधार हेतु गठित हुआ था लेकिन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को रिफ्रेश कोर्स चलाने तथा माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी की शिक्षा की अंक को अनिवार्य करने का सुझाव दिया था। फिर आता है नेक्स्ट मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952 में आया ये, डॉक्टर एस लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इनके अध्यक्ष थे। 12वीं कक्षा को विश्वविद्यालयों से जोड़ दिया जाए और बहुउद्देशीय विद्यालयों को स्थापित किया जाए। आचार्य नरेंद्र देव समिति, अच्छा मैं आपको बता दूं मुदालियर आयोग तक हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका डिटेल आप वहां से पढ़ सकते हैं। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 में आचार्य नरेंद्र देव ने दी थी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव दिए गए थे जो शिक्षा जो अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी थे। फिर आती है श्री माली समिति, 1954 में डॉक्टर के एल श्री माली इसके अध्यक्ष थे। ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु ग्राम विद्यापीठों को प्रोत्साहन दिया जाए, इसकी बात कही गई थी। फिर आता है कोठारी आयोग, 1964 डॉक्टर एफ डी एस कोठारी इनके अध्यक्ष थे। उच्चतर माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा को समाज के मांग के अनुरूप तथा केवल चयनित विद्यार्थियों के लिए ही दिया जाए, इसकी बात कही थी। फिर आचार्य राम मूर्ति समिति, ये आचार्य राम मूर्ति इसके अध्यक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। नई शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु नवोदय विद्यालय को आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित करने तथा माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही थी। ये क्वेश्चन कई बारी पूछा गया है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि 1986 नवोदय विद्यालय की संकल्पना कब रखी गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संकल्पना किसने बताई थी, है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है आचार्य राममूर्ति समिति में। फिर आता है नेक्स्ट विद्यालय पाठ्यक्रम पुनरावलोकन समिति, 1992 ये यशपाल समिति थी। इस यशपाल समिति के द्वारा पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने की बात कही गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यशपाल समिति में ये बात कही गई थी कि जो 1986 के बाद जो नई शिक्षा नीति आने वाली थी उसको रिवाइज फॉर्म में दिया गया था और प्रोफेसर यशपाल उसके अध्यक्ष थे, जिसमें ये बात कही गई थी कि बच्चों को ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए जो कि उनके बोझ को ना पढ़ाए, केवल क्या हो कि उनको एक तरह से सहयोग प्रदान करे, है ना। तो बस्ते का बोझ कम करने की संकल्पना यहाँ पे दी थी। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्च शिक्षा व शोध विकास समिति, ये भी प्रोफेसर यशपाल ने दी थी 2005 में। उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया गया था। इसके बाद 2020 में आपकी नई शिक्षा नीति आई है जो अभी नवीनतम शिक्षा नीति है,
है ना, NEP 2020 जिसको कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको एक जगह पे बता दिया, तो आप इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। तो सारी ही समितियां जितनी भी बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको एक जगह पे मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं जो यशपाल समिति है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देखो ये यशपाल समिति है जो, उसके बारे में डिस्कशन करें तो प्रोफेसर यशपाल जी जो है इनको पुनरावलोकन के लिए बात कही गई थी जब 1992 में शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनरावलोकन की बात कही गई थी। उसी समय पे इनसे और भी कहा गया कि आप थोड़ा और भी ज़्यादा इस पर डिस्कशन कीजिए, तो इसके तहत फिर 2005 में उन्होंने अपना जो पूरा उन्होंने जो कुछ भी रिसर्च करने पे जो निकाला था उसको उन्होंने दिया, और उसके तहत उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए और एजुकेशन को क्रिएटिव एजुकेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि आप बच्चे का बोझ बढ़ाते जाओ, मतलब किताबें उनकी इतनी सारी हो जाएं, लिखने का काम हो जाए, रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए कि उससे बच्चा क्रिएटिव हो, आगे बढ़े और उसके साथ साथ में उसका जो दिमाग है वो खुले ओपन होना चाहिए। तो इस तरीके की उन्होंने बात कही थी। तो मेनली इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कमेटी ऑन रिनोवेशन एंड रिजर्वेशन, मतलब एक तरीके से रेनोवेट करना है ना, जो भी अभी तक एजुकेशन कमीशन हमारे चल रहे थे उसको कैसे रेनोवेट किया जा सकता है इसकी बात कही थी। रिजर्वनेशन किया जाता है, मतलब कि उसको पुनर्जागृत किया जाता है, उसकी बात कही जाती। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कमेटी ऑन रिनोवेशन किसे कहा जाता है, तो यशपाल समिति का आप नाम लिखेंगे। ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्चतर शिक्षा की रेनोवेशन का काम किसने किया है, तो यशपाल समिति ने कहा। इसकी सबसे बड़ी संकल्पना ये थी कि बस्ते का बोझ बच्चों का कम किया जाना चाहिए, उनको किताबों के बोझ तले नहीं दबाना है, उससे वो एजुकेशन ऐसा हो कि उनकी जो पढ़ने समझने की ताकत है वो बढ़े, ना कि रटने की। तो इसके बाद उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है वो 24 जून 2009 में सबमिट करी है, ठीक है। यशपाल समिति की जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है उसका भी आप नोट कर लीजिएगा, 24 जून 2009 में ये रिपोर्ट फाइनली सबमिट हुई है। इसके साथ में उन्होंने ये जो संस्थाएं हैं ना इनके कार्यों के बारे में भी डिस्कशन किया है। इन्होंने ये बताया है कि यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके तहत ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी NCTE, AICTE, ये जो मेन संस्थाएं थी जो पहले से ही वर्क कर रही थी। अब NCTE का मतलब क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, AICTE का मतलब इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये संस्थाएं अपने सानिध्य में कहना चाहिए, या फिर अपने एक और बात कही जा सकती है इसमें कि अपनी तरह से इनकी निगरानी में बाकी संस्थाओं को कार्य डिस्ट्रीब्यूट करें और उनके काम कैसे किए जाने हैं उसके बारे में बताएं। तो उसके तहत उन्होंने कुछ संस्थाओं के बारे में बताया या फिर अपनी संकल्पना रखी, जिसमें थी NCHER। अब ये क्या था, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो संस्था होगी ना वो UGC की निगरानी में अपना काम करेगी, UGC उस पर अपनी बात कहेंगे, UGC को रिपोर्ट करेगी ताकि हायर एजुकेशन में रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, जिसको मेडिकल काउंसिल मतलब मेडिकल के फील्ड में कौन कौन से एजुकेशन में नवाचार लेकर आना है ना, इनोवेशन करना है उसके बारे में, तो ये संस्था होगी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी यहाँ UGC ही क्या करेगी उसके लिए रिपोर्ट करेगी। BCI जिसको कहा जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर PCI जो कहेगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर आता है COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारे जो काम हैं वो नई अलग अलग संस्थाएं काम करेंगी जो अलग अलग फील्ड में स्पेसिफाई वे में काम करेंगी, और इनका जो निगरानी करेगा वो UGC करेगा, NCTE करेगा और AICTE करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनने यशपाल समिति ने अपनी जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताए, ठीक है। इसके बाद में हमें पढ़ना है औपचारिक शिक्षा और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ और शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी, या फिर कहना चाहिए ऐसी संस्थाओं के नाम जो कि जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कम समय है इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेकर ही आपको बताऊंगी ताकि आप उसे नोट कर लें, मेन मकसद हमारा ये है कि आप तक नॉलेज पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये
यशपाल समिति है जो उसके बारे में डिस्कशन करें, तो प्रोफेसर यशपाल जी जो हैं इनको पुनरावलोकन के लिए बात कही गई थी जब 1992 में शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनरावलोकन की बात कही गई थी। उसी समय पे इनसे और भी कहा गया कि आप थोड़ा और भी ज़्यादा इस पर डिस्कशन कीजिए। तो इसके तहत फिर 2005 में उन्होंने अपना अपना जो पूरा उन्होंने जो कुछ भी रिसर्च करने पर जो निकाला था उसको उन्होंने दिया, और उसके तहत उन्होंने ये बताया कि एजुकेशन को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए और एजुकेशन को क्रिएटिव एजुकेशन बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि आप बच्चे का बोझ बढ़ाते जाओ, मतलब किताबें उनकी इतनी सारी हो जाएं, लिखने का काम हो जाए, रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए कि उससे बच्चा क्रिएटिव हो, आगे बढ़े, और उसके साथ साथ में उसका जो दिमाग है वो खुले ओपन होना चाहिए। तो इस तरीके की उन्होंने बात कही थी। तो मेनली इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कमेटी ऑन रिनोवेशन एंड रिजर्वेशन, मतलब एक तरीके से रिनोवेट करना है ना, जो भी अभी तक एजुकेशन कमीशन हमारे चल रहे थे उसको कैसे रिनोवेट किया जा सकता है, इसकी बात कही थी। रिजर्वनेशन किया जाता है, मतलब कि उसको पुनर्जागृत किया जाता है, उसकी बात कही जाती। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कमेटी ऑन रिनोवेशन किसे कहा जाता है, तो यशपाल समिति का आप नाम लिखेंगे। ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्चतर शिक्षा की रिनोवेशन का काम किसने किया है, तो यशपाल समिति ने कहा। इसकी सबसे बड़ी संकल्पना ये थी कि बस्ते का बोझ बच्चों का कम किया जाना चाहिए, उनको किताबों के बोझ तले नहीं दबाना है, उससे वो एजुकेशन ऐसा हो कि उनकी जो पढ़ने समझने की ताकत है वो बढ़े, ना कि रटने की। तो इसके बाद उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो फाइनल रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी है वो 24 जून 2009 में सबमिट करी है, ठीक है। यशपाल समिति की जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई है उसका भी आप नोट कर लीजिएगा, 24 जून 2009 में ये रिपोर्ट फाइनली सबमिट हुई है। इसके साथ में उन्होंने ये जो संस्थाएं हैं ना इनके कार्यों के बारे में भी डिस्कशन किया है। इन्होंने ये बताया है कि यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसके तहत ये एग्जाम कंडक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी, एनसीटीई, AICTE, ये जो मेन संस्थाएं थी जो पहले से ही वर्क कर रही थी। अब NCTE का मतलब क्या होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, AICTE का मतलब इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये संस्थाएं अपने सानिध्य में कहना चाहिए, या फिर अपने एक और बात कही जा सकती है इसमें कि अपनी तरह से इनकी निगरानी में बाकी संस्थाओं को कार्य डिस्ट्रीब्यूट करें और उनके काम कैसे किए जाने हैं उसके बारे में बताएं। तो उसके तहत उन्होंने कुछ संस्थाओं के बारे में बताया या फिर अपनी संकल्पना रखी, जिसमें थी NCHER। अब ये क्या था, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब इन्होंने ये कहा कि ये जो संस्था होगी ना वो UGC की निगरानी में अपना काम करेगी, UGC उस पर अपनी बात कहेंगे, UGC को रिपोर्ट करेगी, ताकि हायर एजुकेशन में रिसर्च को आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, जिसको मेडिकल काउंसिल मतलब मेडिकल के फील्ड में कौन कौन से एजुकेशन में नवाचार लेकर आना है ना, इनोवेशन करना है उसके बारे में, तो ये संस्था होगी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी यहाँ UGC ही क्या करेगी उसके लिए रिपोर्ट करेगी। BCI जिसको कहा जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर PCI जो कहेगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर आता है COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारे जो काम हैं वो नई अलग अलग संस्थाएं काम करेंगी जो अलग अलग फील्ड में स्पेसिफाई वे में काम करेंगी, और इनका जो निगरानी करेगा वो UGC करेगा, NCT करेगा और AICTE करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनने यशपाल समिति ने अपनी जो मेन पॉइंट्स है वो बताए, ठीक है। इसके बाद में हमें पढ़ना है औपचारिक शिक्षा और विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ और शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी, या फिर कहना चाहिए ऐसी संस्थाओं के नाम जो कि जिनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कम समय है इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लेकर ही आपको बताऊंगी ताकि आप उसे नोट कर लें। मेन मकसद हमारा ये है कि आप तक नॉलेज पहुंच जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं या हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो मेनली हमें बात करनी पड़ती है यूनिवर्सिटीज़ की। तो भारत में यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं इनके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके पहले ये जानना आवश्यक है कि यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की होती हैं।
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं उसके पहले कि यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की, यूनिवर्सिटी का काम क्या होता है, क्या काम होते हैं यूनिवर्सिटी के। तो पहला काम तो ये है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सांख्यिकी उन्नति देना, मतलब स्टैटिकली जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको अपग्रेड करना, बढ़ाना। विश्वविद्यालय और कॉलेजों के सामान्य विकास का कार्यक्रम बनाना, सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। जैसे कि आपने देखा यूनिवर्सिटीज कई सारे इवेंट हैं जो ऑर्गेनाइज करता है, समय समय पे सेमिनार्स और सिंपोजियम या फिर कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करता है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग प्रोजेक्ट्स निकालता है। तो ये सारी उन्नति करने का, सुलभता और समानता के लिए कार्यक्रम देना, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में संवर्धन के लिए कार्यक्रम देना, सुविधा वंचितों और विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों के लिए भी कार्यक्रम देना, अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम को बनाना, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं यूनिवर्सिटी के। अब भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये डेटा जो मैं दे रही हूँ वो 4 मार्च 2022 के हिसाब से है, है ना। हो सकता है कि इस डेटा को अगर आप करंट में देख रहे हैं 2023 के हिसाब से तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेरा जो डेटा है वो 4 मार्च 2022 के हिसाब से है। जो टाइप होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो भारत में पहले नंबर पे जो आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस डेटा के हिसाब से भारत में 54 है, 54 होती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ से गवर्न होती हैं, उनकी जो फंडेड होता है या फिर उसको पूरे तरीके से उसका हैंडलिंग कौन करता है, तो MHRD जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया है अब, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और UGC एक्ट 1956 के हिसाब से इनको रन किया जाता है। मतलब इनका पूरा दारोमदार जो होता है वो UGC के हाथ में होता है, और फंडिंग कहाँ से होती है, MHRD के हिसाब से होती है और की तरफ से होती है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ओर से होती है। नेक्स्ट नंबर पर आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज। इस डेटा के हिसाब से अभी हमारे यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी 444 है, और स्टेट यूनिवर्सिटी रन एंड फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट होता है उस स्टेट की गवर्नमेंट के हिसाब से उनको फंडिंग भी की जाती है, उसको मतलब उसकी हैंडलिंग भी की जाती है ना। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी को मानना किसकी बात पड़ती है, UGC की ही बात माननी पड़ती है। फिर आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी है, टोटल 403 है। UGC के द्वारा अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट भी कहे जा सकते हैं इनको, है ना। लेकिन ये है कि हर 5 साल में इनको अपनी मान्यता है जो उसको रिन्यू कराना पड़ता है, और ये सारी इनके पास में बहुत कुछ तो हाथ में होता है, लेकिन ये खुद अपने कोई डिसीजन नहीं ले सकती हैं। ये डिसीजन कहाँ से होते हैं, UGC के द्वारा लिए गए डिसीजन पर ही ये काम करती है, वहाँ से अप्रूव सिलेबस को ही ये लेकर पढ़ाएंगे। बस ये हो जाता है कि इनको एक तरह से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाता है, कॉलेज से ऊपर के दर्जे मिल जाते हैं, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्सेस ही अपने इंस्टीट्यूट में रन कर सकते हैं, तो इस वजह से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बन जाती हैं। इसके बाद में UGC अप्रूव्ड होती हैं ये, मतलब UGC से अप्रूव्ड होती हैं, इनको NAC का सर्टिफिकेट भी लेना होता है जिसके वजह से इनको ग्रेड्स मिलते हैं, और अगर NAC एफिलेशन नहीं मिलता है तो उसकी वजह से इनकी मान्यता भी चली जाती है ना। तो ये होता है। फिर आती है नेक्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऑटोनोमस बॉडी हो जाती है। कुल मिला के 126 बताई जा रही हैं, 126 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी। किसे कहा जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी होती है, मतलब कहने का कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, अपना सिलेबस बना सकते हैं, अपने तरफ से एग्ज़ाम रन करा सकते हैं, और हर तरीके की उनको कहना चाहिए क्या, एक सुविधा होती है और एक इंडिपेंडेंस होता है उनके पास में, और वो किसी से एफिलेटेड नहीं होते डायरेक्ट। उनको भी कहाँ से मिलता है एफिलेशन, MHRD और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से मिलता है, ठीक है। लेकिन उन्हें भी UGC एक्ट 1956 की सारी शर्तें हैं वो माननी पड़ती हैं, ठीक है। फिर आती है ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी किसके लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए ओपन यूनिवर्सिटी होती है, जिसे मुक्त विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, खुला विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिसकी शर्तें ये नहीं होती है कि आप उनको वहां पे जो भी एनरोल्ड होता है स्टूडेंट उसको रेगुलर आना है, उसको ये सुविधा दी जाती है कि आप घर बैठे बैठे डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, आपके घर में मटेरियल आ जाएगा, आपके घर में ही क्लासेस का किस तरह से करना है काम वो भी हो जाएगा, है ना, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको अगर कोई कोर्स लेना है तो आप पढ़ते पढ़ते या जॉब करते करते भी उन कोर्सेस को आप कर सकते हैं, तो ये ओपन यूनिवर्सिटी होती है। तो भारत में इसका भी जो
हैंडलिंग है वो किसके पास, एमएचआरडी के पास होती है, और वो एमएचआरडी जो है वो अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया है 2020 में ही, तो उसके बाद अब इसे एमएचआरडी नहीं कहा जाता है, अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी ये बात मान की जा रही है, यूजीसी के ही सारे रूल्स को ये भी फॉलो करते हैं, जो यूजीसी ने ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लिए रूल्स बनाए हैं। अब ये हमारे भारत में एक तो है नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसको इग्नू कहा जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो नेशनल लेवल पर एक है, और स्टेट लेवल पर भारत में 13 ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो चल रही हैं, अलग अलग राज्यों की सरकारें ओपन यूनिवर्सिटी का चला रही हैं, और जो कि उस राज्य में डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देती है। तो ये बताया मैंने क्या यूनिवर्सिटीज के बारे में, अब हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर रही हूँ, जो उच्च शिक्षा के समन्वय हेतु गठित प्रमुख परामर्शी नियामक संस्थाएं हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, आप उसे देख लीजिए। भारतीय चिकित्सा परिषद जिसकी स्थापना हुई थी 1933 में, देश में चिकित्सा में उचित नियोजन और समन्वय के विकास को सुनिश्चित करना। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तकनीक शिक्षा में उच्च नियोजन और समन्वित विकास का सुनिश्चित करना। भारतीय फार्मेसी परिषद 1948 में हुई थी। फार्मिस्ट के प्रशिक्षण हेतु समान स्तर लागू करना। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद मतलब कि डेंटल परिषद नई दिल्ली 1948 में हुई थी। डेंटल जो मेडिकल फैसिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करना, उसको बारे में बात करनी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है यूजीसी, और इसकी स्थापना 1956 में आई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देकर उनके स्तर को ऊपर उठाना। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान एकेडमी जिसमें देश में चिकित्सा और विज्ञान को बढ़ावा देना, ठीक है। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली, समाज विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना 1965 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद हैदराबाद, महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों पर आधारित ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विविध कार्यों का संपादन सुनिश्चित करना। केंद्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1969 में, आयुर्वेद के क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल औषधि अनुसंधान से संबंधित सर्वेक्षण। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली 1972 में, देश में इतिहास संबंधी प्रगति की समीक्षा और वैज्ञानिक ढंग से इतिहास लेखन का को प्रोत्साहन देना। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज नई दिल्ली 1973, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद 1977, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली 1978, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा परिषद 1978, केंद्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद 1978, भारतीय पशु चिकित्सक परिषद 1984 और दूरस्थ शिक्षा परिषद 1985, शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करना। तो ये थे वो सारी संस्थाएं जिनके बारे में एक एक लाइन में आपको याद रखना चाहिए। इनमें से कुछ जो ऐसे हैं जो कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया यूजीसी के बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, लगभग मैं देखूँ तो हर तरह हर बार के एक दो बार छोड़ दिया जाए तो हर बार ऐसा क्वेश्चन आता है किसी ने।